हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKD चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज लोग हम बात करेंगे करीब करीब 3 से 4 शेयर के बारे में, तो चलिए शुरू कर देते। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो है इन्फोसिस। आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था कि इन्फोसिस के रिजल्ट कैसे आए थे, उनका जो प्रॉफिट था वो एक्सपेक्टेड स्ट्रीट प्रॉफिट जो था एस्टिमेट उससे भी उसने पार कर लिया है। बट उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि इन्फोसिस के बाकी सारे फैक्टर देख के उसमें बहुत सारी, मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिविटियाँ निकालने की कोशिश करेंगे, और उसी की वजह से आप देख सकते हैं आज ये शेयर करीब करीब 20 रुपया डाउन है। तो इतना कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, मतलब जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इन्फोसिस डाउन हो जाएगा, बहुत ही डाउन हो जाएगा, आप देख सकते हैं सिर्फ मामूली सा 2.50% डाउन है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नॉर्मल डाउन है। फ्रेंड्स, इतना डाउनफॉल तो हर एक शेयर में होता रहता है। तो बहुत सारी जगह पे, जैसे मैंने कहा था कि हर वक्त इन्फोसिस हो या फिर कोई भी अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी का शेयर हो, आफ्टर द रिजल्ट वहाँ पे ऐसा हाइप क्रिएट किया जा सकता है कि आपको ऐसा बोलने के लिए, दिखाने के लिए कि प्लीज़ इसको बेच दो, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे न्यूज़ के आप, मतलब बोलते हैं ना, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। इन्फोसिस बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, और जैसे मैंने कहा NSE के टॉप 10 कंपनी में ये आती है, तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी कंपनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको होल्ड ही करना है लंबी अवधि के लिए। तो आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न भी, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्फोसिस में नॉर्मली गिरावट है, ऐसी कुछ खास गिरावट है नहीं, आप देख सकते हो ये। सो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे अलग अलग फर्म होते हैं बीच में, तो आप सभी लोगों को याद है जेफरीज करके फर्म है, उन्होंने बोला था कि रिलायंस कंपनी का, तभी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर करीब करीब चलता था 1250 के आसपास, या फिर बोल सकते हो 1200 के आसपास। और उसके बाद जेफरीज का न्यूज़ आया था कि ये शेयर आ जाएगा करीब करीब कितना, 880 के पास, रिलायंस के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ऐसा न्यूज़ सुन के, पैनिक न्यूज़ सुन के बहुत सारे लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, और रिलायंस का हालत किधर हो गया आज देख सकते हो आप। फ्रेंड्स, उल्टा हो गया, रिलायंस आज पहुंच गया 1350 के ऊपर, आप देख सकते हो, मतलब क्या ऑल टाइम हाई के ऊपर उसने अचीव कर लिया है। तो अल्टीमेटली मैं बोलने का यही कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो डाउनफॉल है ये बहुत ही टेम्पररी होता है, बहुत सारे रिटेल निवेशक इससे डर जाते हैं, इसलिए मैं बस आपको यही बताने के लिए और अवेयर करने के लिए इस शेयर को मैंने आज कवर किया है। को बिल्कुल आपको डरने का नहीं, जितना गिरावट होए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें खरीदारी करना है। मैं तो चाहता हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे भी पोर्टफोलियो में है ये शेयर और नीचे आना चाहिए, 600 तक आ जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंड्स, आपको और खरीदने का मौका मिलेगा, याद रखना, ये हर वक्त अपना 52-वीक हाई हर साल में अचीव करता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, जो जिसका नज़रिया लंबा है इस शेयर से रिलेटेड, ज़रूर 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 उसको ये प्रॉफिट ही होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा शेयर है, कोई डरने की बात नहीं है, जितना नीचे आए आपको खरीदना है क्वांटिटी, बिल्कुल इसको बेचने का नहीं है, टेंशन फ्री रहो। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया जेफरीज से रिलेटेड 880 का टारगेट दिया था रिलायंस से रिलेटेड, और आज आप देख सकते हैं रिलायंस का पहुंच गया 1350। तो याद रखना, ऐसे टारगेट बहुत सारी कंपनियां देते रहते हैं, तो फिर आपको रिटेल निवेशकों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पिछले ही दिन बनाया था अशोक लेलैंड से रिलेटेड, बोला था 6.5 करोड़ शेयर उनके प्रमोटर्स ने गिरवी रखे, बराबर रखे है गिरवी, बट उस न्यूज़ को कैसे नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर दिया, तो रिटेल निवेशकों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया अशोक लेलैंड जैसे अच्छे स्टॉक से रिलेटेड। तो बस आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि पेशेंस रखिए, होल्ड रखिए, डेफिनेटली ये आपको पैसा बना के देगा। और भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ इन्फोसिस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्फोसिस आज तक 40% से ज़्यादा कभी भी नीचे नहीं गया है। हाँ फ्रेंड्स, 40% से ज़्यादा, और ये 40% तो मैं बहुत लंबा टारगेट पकड़ रहा हूँ। अगर आप नियर बाय टारगेट चेक करोगे, मतलब अगर पिछले 5 साल के करीब, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक मिलेगा डाउनफॉल। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल, मतलब ये डाउनफॉल मतलब कितना, 600 के आसपास, 600 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है, ऐसे पिछले हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सिर्फ इसको होल्ड करना है, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटली शेयर कंपनी है, आप देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा था, ये इसका सिर्फ अच्छे रिजल्ट, मतलब बोलते हैं ना, ग्रो कब होगा, ये फ्यूचर में होता है, याद रखना फ्रेंड्स, फ्यूचर में होता है, मतलब आप जितना लॉन्ग होल्ड करोगे आपको उतना फ़ायदा होने वाला है। ये देखिए, NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने इन्फोसिस ओपन किया है, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, अगर नेगेटिव न्यूज़ है, आप देख सकते हो 53% लोगों ने आज इसको खरीदा है। मैंने जैसे कहा, जितना ये 53% दिख रहा है ना, ये 75% भी हो जाएगा, कब, जब ये शेयर और नीचे आ जाएगा। अगर ये 600 आ गया ना फ्रेंड्स, तो ये और परसेंटेज बढ़ जाएगा, देख लेना फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये इन्फोसिस जैसा स्ट्रांग फंडामेंटली शेयर इतना इजीली आपको लोअर लेवल पे नहीं मिलता है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही डिस्काउंट लेवल पे, कम लेवल पे आपको नहीं मिलता है। तो बहुत ही अच्छा शेयर है फ्रेंड्स, आपको नज़रिया लंबा रखना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जिनके भी पोर्टफोलियो में, आपको बस होल्ड करना है।
और बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं सर क्या इसमें खरीदारी कर सकते हो, तो देखिए जितना ये गिरेगा आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाना है फ्रेंड्स, जितना जब मौका मिलेगा अरे 700 के आसपास आ गए खरीद लो, अगर उस नीचे आ गए 650 खरीद लो, 600 पे आ जाए और खरीद लो, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करें तो आपको ग्रॉसली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद जो सेकेंड शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही है और आपके सामने है, वो है टीसीएस। आप सभी लोगों को पता है NSE की रैंक 2 कंपनी है और जैसे मैंने बोला था इनके रिजल्ट बहुत ही गजब के रहे थे और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं करीब करीब 100 रुपये का उछाल, बहुत ही यूजुअल था फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था बहुत ही यूजुअल है। और TCS इंफोसिस जैसे दिग्गज शेयर हमेशा फ्रेंड्स अच्छे ही चलते हैं, जैसे मैंने हमेशा बोला था TCS से रिलेटेड भी, जैसे मैंने इंफोसिस से बोला वैसे TCS आज तक 20% से नीचे गया ही नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 5 साल का देख लो, 6 साल का देख लो, 20% ज़्यादा से ज़्यादा 20% डाउनफॉल होता है। अगर आप ये देखिए 1 साल का मैं अगर आपको चार्ट बताता हूँ, ये देखिए अगर आप ये कैलकुलेट करोगे, ये देखिए 2255 माइनस करके अगर आप देखोगे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, और नीचे का लेवल देख लेते हैं हम लोग, चलो 1800 माइनस 1800 करके डिवाइड बाय 2255 इंटू 100 करोगे तो आपको आएगा एग्जैक्टली 20% के आसपास। मतलब बताने की बात क्या है फ्रेंड, TCS जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी शेयर 20% के आसपास ही डाउनफॉल होते हैं, तो बिल्कुल डरने की कोशिश, मतलब बोलते हैं ना आपको डरने की वजह ही नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। जैसे मैंने कहा था आपको सिर्फ पोर्टफोलियो में होल्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं अक्टूबर में के करीब इसने हाई बनाया था अपना, ये देखिए 1 अक्टूबर 2018 में इसने 2255 का लेवल अचीव किया था, उसके बाद आज देख सकते हैं आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी ये उसने अपना इस लेवल पे हाई अचीव नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शेयर ख़राब हो गया, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने कहा जितना आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे TCS जैसा शेयर उतना आपको फ़ायदा होगा। और आज आप देख सकते हो 2113 और इसके टारगेट बहुत सारे दिग्गज फ्रॉम मैंने भी बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल कैसा शेयर है फ्रेंड्स, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर है और जैसे मैंने बोला NSE की रैंक 2 कंपनी है। और आप देख ये भी देख सकते हो इसने एक पैटर्न भी बनाया है, उसके बाद आप देख सकते हो शायद इसमें एक लंबी रैली का, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी एक लंबी रैली आ सकती है TCS में, और जैसे इनके रिजल्ट देखने के बाद मेरा ये कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है कि जैसे इन ब्रोकिंग फर्म ने भी बोल दिया है, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज फर्म ने भी बोल दिया है कि इसका टारगेट 2500-3000 के आसपास हो सकता है, तो वो मुझे भी सच लग रहा है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली TCS एक बहुत ही अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सो जिनके भी पोर्टफोलियो में ये डेफिनेटली होल्ड करें फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का शेयर है, बहुत ही गजब का। फ्रेंड्स इसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर सिलेक्ट किया है जो है जेट एयरवेज। बहुत ही रिटेल निवेशकों का एक पॉपुलर शेयर ये बन चुका है, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो एक करीब करीब 870 के लेवल पे चलता था, आप देख सकते हैं जनवरी 2018 की बात है, और अभी ये मिल रहा है 260, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये सस्ता मिल रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इसमें निवेश करोगे तो बुरी तरह से फंस सकते हो, बहुत ही बुरी तरह से। जिनके पास भी है मैं तो स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स निकल जाओ, कुछ नहीं है इस कंपनी में, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है फ्रेंड्स, लंबी अवधि से ये कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है, बहुत सारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। इनके खुद के डायरेक्टर ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो 60 देश से ज़्यादा ये कंपनी रहेगी नहीं। तो आप देख सकते हो कि ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ देखोगे कि सस्ता मिल रहा है उसके पीछे का वजह नहीं देखोगे तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो फ्रेंड्स। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक सच्ची न्यूज़ है ये सामने आ चुकी है कि उनके जो पायलट्स है उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। पहले इन लोगों के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, लिक्विडिटी मतलब कैश ही नहीं था इन कंपनी के पास, कैश ना होने के बावजूद मतलब बोलते हैं ना ये लोग अपने पायलट लोगों को जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे थे। तीन महीने की सैलरी एक बार मिलती थी, मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। और आप लोगों को एक बड़ी न्यूज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि इनके पायलट लोगों को जनवरी से सैलरी नहीं मिली है, जनवरी मंथ से सैलरी नहीं मिल रही है। आप काउंट कर सकते हो करीब करीब 4 महीना हो गया है और इनके पायलट लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अगर उन लोगों को सैलरी नहीं मिले तो वो स्ट्राइक पे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो स्ट्राइक पे गए तो फ्लाइट कौन उड़ाएगा, और फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे तो जितना भी इन लोगों का जो रेवेन्यू पैसा इन लोगों को जनरेट हो रहा था वो भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इतनी सारी दिक्कतें सामने आ रही है, तो प्लीज़ ऐसे इसमें निवेश मत कीजिए फ्रेंड्स,
प्लीज़ आप फंस सकते हो बुरी तरह से, इसलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि जेट एयरवेज से दूर रहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर मुझे जेट एयरवेज में निवेश करूँ क्या, तो मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ आपको फ्रेंड्स आपको निवेश नहीं करना है। मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ आपको, जेट एयरवेज से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। मैंने तभी बताया था कि जब इनमें मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो आपको जेट एयरवेज में बिल्कुल निवेश नहीं करना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जेट एयरवेज शेयर ओपन किया है, उसके थोड़ी डिटेलिंग आपको बताना चाहता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए इनके प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स, पूरे नेगेटिव में है प्रॉफिट्स, कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कुछ मतलब नहीं, डिविडेंड की सोच ही नहीं सकते आप, कंपनी के पास खुद के कमाने के लिए प्रॉफिट नहीं है, वो आपको किधर से डिविडेंड देगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स निकल जाइए, कुछ नहीं इस कंपनी के शेयर में, लिटरली कुछ भी नहीं है, निकल जाइए। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड्स आपसे रिलेटेड, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अभी ऐसे स्कीम आ रहे हैं सामने कि गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस होने की भी बातें आ रही है, उसके वजह से ये शेयर में थोड़ा उछाल आता है, तो वो उछाल देखे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर कमबैक कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही गलत सोच है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, शायद से आपकी बात आप अलग व्यू रखते होंगे, बट मैं अल्टीमेटली जो लोग मुझे पूछ रहे थे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स अवॉइड दिस स्टॉक, दैट्स इट। फ्रेंड्स आज का आखिरी शेयर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, एक कंटिन्यूसली इसमें एक रैली बनी हुई है, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स अगर आप चेकआउट करोगे अगर इसका लंबा चार्ट तो एक बहुत ही बड़ी गिरावट आप देख सकते हो, नज़र आपके सामने आ सकती है कि आप देख सकते हो 500 573 के बाद ये शेयर बहुत ही नीचे आ चुका था, बहुत ही मतलब 150 के करीब इसका ट्रेड चल रहा था, ये देखिए आप देख सकते हो, और उसके बाद आप देख सकते हो अभी 232 एक कंटिन्यूसली एक रैली आ चुकी है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर इसकी वजह क्या है, फ्रेंड्स इसकी वजह एक ही है कि इसका जो प्रॉब्लम था इसका मेजर प्रॉब्लम क्या था, लैंड रोवर और जैगवार से रिलेटेड सेल्स थी आउटसाइड द इंडिया, वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बहुत ही नेगेटिव वे में जा रही थी, तो यही अभी हर कंपनी के रिजल्ट सामने आने वाले हैं, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने यही एक्सपेक्टेशन सामने रख दिए कि इनके जो ये सेल्स है जैगवार और लैंड रोवर से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छे खासे आ सकते हैं, तो इसी न्यूज़ के चलते आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूसली एक रैली बनी हुई है, तो सिर्फ यही न्यूज़ है फ्रेंड्स और कोई न्यूज़ नहीं है। तो अगर आप इसके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेकआउट करोगे तो आपको कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ, ये देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, देखिए कंपनी में बहुत ही माइनर प्रॉफिट है, बहुत ही कम प्रॉफिट है, अगर आप नीचे देखोगे उल्टा शुरू करते हो 2013 से आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा और जूम करता हूँ तो क्लियर दिखेगा आपको, ये देखिए 2013 की बात करते हो तो 2 रुपये का डिविडेंड था, 2014 में भी 2 रुपये का डिविडेंड था, उसके बाद 2015 देख सकते हो, 2015 में डिविडेंड ही नहीं दिया, 2016 में देख सकते हो सिर्फ 20 पैसे का डिविडेंड। आप सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर्स में यही प्रॉब्लम हो रहा था कि उनके इंडिया का प्रॉफिट हो रहा था बट उनका जो लैंड रोवर और जैगवार है वहाँ का जो आउट ऑफ इंडिया जो सेल्स है वो सारा नेगेटिव में चल रहा था, लॉस में चल रहा था, इसलिए वो पूरा प्रॉफिट लेके जा रहे थे, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि डिविडेंड रिडक्शन ऑफ अ डिविडेंड, डिविडेंड कम हो जाना, पहले 2 रुपया था अभी सिर्फ 20 पैसा, तो ये संकेत दे रहा था कि उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही लॉस में जा रहा था, तो अल्टीमेटली यही एक्सपर्ट ने सिर्फ यही बोला है कि इनका जो वो लॉस मेकिंग बिजनेस है इस बार उनके अच्छे रिजल्ट अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं, सिर्फ ये न्यूज के चलते आप देख सकते हैं ये टाटा मोटर्स में एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है। सो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आपको बेचना तो नहीं है, आपको होल्ड ही करना है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें बाइंग करें, तो मैं हमेशा वही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो 40% डाउन है, तो अगर आप इसमें होल्ड करते हो निवेश करने की सोच रहे हो तो आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, वो शायद चाहे कौन सा भी ऑटो कंपनी का शेयर हो, आप देख सकते हैं 40% डाउन है सारे ऑटो कंपनी के शेयर, तो अगर आप निवेश करोगे तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको लंबे नज़रिए से होल्ड करना पड़ेगा तो ही आपको इसमें ऐसे स्टॉक में आना चाहिए, वरना नहीं लंबी अवधि के लिए। सो आई होप आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।